हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कि नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी आईटेल की पैड फ़ोन है तो कैसे आप अपने फ़ोन में अलार्म को सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही सिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, की पैड फ़ोन से रिलेटेड, एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में जो बटन जो है, आपको इस पर क्लिक करके ऐप को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको ठीक नीचे वाले बटन पर क्लिक करके स्क्रॉल कर लेना है नीचे की तरफ। उसके बाद जो है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर दोबारा से बीच वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एडिट लिखा हुआ है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर जो है आपको टाइम डाल लेना है, कितने बजे का आपको अलार्म लगाना है बीच वाले बटन पर क्लिक करके। और उसके बाद जो है आपको टाइम डालने के बाद जो है रिंगटोन अगर सेट करना है तो आपको नीचे वाले बटन पर स्क्रॉल कर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं रिंगटोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट, तो आपको बीच वाले बटन पर क्लिक करके आपको रिंगटोन को सिलेक्ट कर लेना है। कौन सा आपको रिंगटोन सेट करना है, आपको जो भी सेट करना है उस पर क्लिक करके आपको बैक चले जाना है। उसके बाद आपको ठीक सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में जो बटन जो है आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अलार्म जो है सेट हो चुका है। तो आप इसी तरह से अलार्म को सेट कर सकते हैं। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कीपैड फ़ोन से रिलेटेड, एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।